वेलकम टू धम्म सिंधु। कच्छ विपाशना सेंटर, गुजरात। पुरुष क्षेत्र। यहाँ खाना खाने के बाद अपने हाथ से बर्तन धो के अपनी दी गई जगह पर रखने होते हैं। आचार्य से बात करने के लिए इंटरव्यू रूम। पक्षियों के नाम पर ज्यादातर मोर आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर फूलों से भरे गार्डन हैं और इसी वजह से यहाँ पे मधुमक्खियाँ भी बहुत बड़ी है और ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर आपको मधुमक्खियों के छत्ते देखने को मिल जाएंगे। धम्म हॉल नंबर 1। धम्म हॉल के अंदर या धम्म हॉल के आसपास बातचीत करना और शोर मचाना सख्त मना है। यहाँ से आचार्य माने मेडिटेशन सिखाने वाले टीचर्स एंटर कर सकते हैं। किसी भी धम्म हॉल और किसी भी पैगोड़ा के आसपास शोर मचाना और बातचीत करना सख्त मना है। धम्म चैत्य शून्यागार। यहाँ हमेशा मौन रहें, यहाँ शांति का पालन करें। पैगोड़ा के आसपास बातचीत करना और शोर मचाना मना है। यहाँ साधना करने के लिए साधकों को खुद के शून्यागार दिए जाते हैं। यहाँ पर सभी रूम्स के ऊपर सोलर सिस्टम लगाए हुए। प्रज्ञाशील करुणा से जिले वर्तमान। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं धम्मं
तेरी तुझको हाँ ज्ञान देगी, नम्रता तेरी तुझको हाँ मान देगी, योग्यता तेरी तुझको हाँ स्थान देगी। क्रोध ही